आज दिनांक 10 जनवरी 2021 को तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड मुजफ्फरपुर डेयरी का भ्रमण राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री मुकेश सहनी द्वारा किया गया। माननीय मंत्री को संघ के प्रबंध निदेशक एचएन सिंह ने डेयरी के इतिहास, विकास, व्यापार, लोकोपयोगी कार्यकलाप एवं सरकार के प्रति जल जीवन हरियाली में अपनी भागीदारी से संबंधित सारे कार्यकलाप की जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया, जिसकी सराहना मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में की। संघ के अध्यक्ष नागेश्वर राय द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण किया गया एवं संघ के लिए आवश्यक मुद्दों को ज्ञापन के रूप में मंत्री महोदय को सौंपा। कांटी स्थित पशु आहार कारखाना का लीज अवधि 20 वर्षों के लिए बढ़ाने की आवश्यकता। तेमुन परिसर के दोनों भूखंड में तालाब निर्माण कराने का अनुरोध। मोतिहारी में 80,000 लीटर क्षमता का पैकेजिंग स्टेशन बनाने की आवश्यकता। मुजफ्फरपुर डेयरी में जल जमाव एवं पानी निकासी की समस्या। तिमुल में मिनरल मिक्सचर प्लांट की स्थापना इत्यादि को मंत्री महोदय ने गंभीरता से लेते हुए सरकार की ओर से आश्वस्त किया कि सभी मुद्दों पर विचार करते हुए सुनिश्चित निश्चित रूपेण समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित साहिबगंज विधायक राजू सिंह ने भी डेयरी के विकास एवं विस्तार में हर संभव मदद करने का अनुरोध माननीय मंत्री महोदय से किया। निदेशक मंडल सदस्यों द्वारा पशुपालक के निर्माण की योजना संघ द्वारा क्रियान्वयन करने के आग्रह पर भी मंत्री महोदय ने सहमति जताई। उन्होंने विकासोन्मुखी किसानोन्मुखी एवं रोजगारोन्मुखी विचारों के साथ पशुपालकों एवं डेयरी उद्योग के विकास के लिए विस्तार के लिए बहु आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संघ को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उक्त अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य नंदकिशोर राय, विजय कुमार, मुकेश राम, देवानंद साह, सुपौल दुग्ध संघ के अध्यक्ष देव नारायण यादव के अलावा संघ के वरीय पदाधिकारीगण अरविंद कुमार सिंह, प्रकाश सिन्हा, फूल कुमार झा, ज्ञान शंकर, सुरेश कुमार गुप्ता, पूर्णिमा कुमारी, प्रतिमा सिन्हा, श्री रामाकांत ठाकुर, श्री मुकुल, श्री विवेक कुमार झा, श्री आदर्श कुमार झा, श्री संजीव कुमार, श्री राम मिलन साह, श्री चंदन कुमार सहित कार्यरत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने माननीय मंत्री एवं अतिथियों का स्वागत बुके, माला, चादर एवं मोमेंटो इत्यादि देकर किया। कार्यक्रम का संचालन उमाकांत ठाकुर ने। कार्यक्रम में सैकड़ों दुग्ध उत्पादक एवं डेयरी के रिटेलर वितरकों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। सभी पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री राजू सिंह जी और निदेशक एच.एन. सिंह जी प्रबंधक और नागेंद्र राय जी अध्यक्ष जी, नंदकिशोर राय जी निदेशक जी। जब अतरसिटी होगा उस समय हम लोग खिलाएंगे तो उत्पादन खर्चा कम होगा, क्योंकि दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा खर्चा कंसंट्रेट पर होता है, यानी अनाज और दाना पानी में होता है। अगर हरा चारा अगर हम लोग खिलाते हैं दूध उत्पादन में तो खर्चा बहुत ही घटता है, तो ये दूध उत्पादन की खर्चा कम हो इसके लिए हरा चारा। ऐसे भी कहा गया कि दूध उत्पादन में दो ही चीज निर्भर करता है, जीन और ग्रीन। अगर जानवर का जीन अच्छा हो, अच्छा दूध देने वाली हो और ग्रीन उसको देते हैं तो दूध उत्पादन सबसे बढ़िया होता है। ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, केला, पनीर, लस्सी, दही, ये सारे चीज हम लोग यहाँ से बना करके और सापुर जिला में सब मार्केटिंग करते हैं। और ये इन साल कोविड के चलते जब तक फूड का मार्केट ज्यादा हो रहा है तो हमने सालों की अपेक्षा हम लोग 30 से 40%